पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महानगर मुरादाबाद में विश्वविद्यालय की मांग से संबद्ध ज्ञापन सौंपने उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने जी तोड़ प्रयास किए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें सीएम के नजदीक पहुंचने ही नहीं दिया। उल्लेखनीय हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भूपेंद्र के पिता के देहांत होने की खबर से काफी आहत हुए। शोकाकुल परिवार को धीरज बांधने और सहानुभूति देने व पैतृक गांव पहुंचे ही थे कि इसी बीच उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष शुभम राठी के नेतृत्व में एक दर्जन से अधिक छात्रों का प्रतिनिधि मंडल भी वहां ज्ञापन देने पहुंचा था। राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के पैतृक निवास से पूर्व ही छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम से न मिलने देने की बात कहकर वापस लौटने को कहा। जब छात्रों द्वारा मिलने की मांग दोहराई गई तो पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर थाना सिविल लाइंस ले आए, और इतना ही नहीं यहां तक कहा गया कि यदि सीएम से मुलाकात ही करनी थी तो प्रशासन से उन्होंने अनुमति क्यों नहीं ली। समाचार लिखे जाने तक प्रतिनिधि थाने पर पुलिस की गिरफ्त में रहा। हम अपनी यूनिवर्सिटी की मांग के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। तो आज जैसा कि आपने कल भी देखा होगा, हमने कल 17 तारीख में भी ज्ञापन दिया था सीएम साहब को, लेकिन सब लोग सीएम साहब के प्रोग्राम में लगे हुए थे तो हमें इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा था जैसे कि हम पता नहीं क्या गलत चीज़ मांग रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी की मांग के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हम उसी को ज्ञापन देने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे थे और इन्होंने हमें रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? हम लोग 20-25 लोग थे जिसको गिरफ्तार कर लिया। हम अलग अलग तरीके से जा रहे थे ग्रुप में, तो हमने सबको फिर इन्होंने यहीं पर हमको लिया है सिविल लाइन थाने में। अच्छा, किसको ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे आज? मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे थे। अच्छी वह यूनिवर्सिटी बनने के लिए उनके मैनिफेस्टो में था, उसको संज्ञान लें कि अभी तक सरकार 2 साल होने पूर्ण हो चुके हैं कि अभी तक चुप क्यों हैं, क्यों इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन कौन से तहत आपको जो गिरफ्तार किया है? ये तो यही बता पाएंगे किस तहत में लेके आए हैं, क्या हम ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि हम अपनी मांग भी नहीं कर सकते स्वतंत्र भारत में, इस लोकतंत्र की ये जो हत्या कर रही है सरकार अपनी मनमानी करके, तो वो तो यही लोग जाने कि किस तरीके से ये इस लोकतंत्र की गला घोटना चाह रहे हैं, युवाओं की आवाज़ दबाना चाह रहे हैं और इस छात्र शक्ति को ये दबा सकते नहीं हैं। ये कितना थाने में बंद कर लें, कितने फर्जी मुकदमे लगा लें, कितना गला घोट लें, लेकिन ये मांग और यह आवाज़ नहीं रुकेगी। उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन लगातार संघर्ष करता रहेगा जब तक यूनिवर्सिटी बन नहीं जाएगी।